तो ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की वही है ये, जैसे ये सॉलिड है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, किस तरह का सॉलिड है ये, दिस इज स्क्वायर पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिड है, और किस तरह से पोजीशन है इसकी स्क्वायर पिरामिड की, कि इट इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, एचपी ठीक है, स्टैंडिंग ऑन एचपी मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ठीक है। अब आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो कि इसको हम ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज द एक्सिस ओ अपेक्स पॉइंट, ये हो गया हमारा ओ डैश, और ये पॉइंट हो गया ए डैश, दिस इज इसको हम क्या बोलेंगे, दो है ना, दो पॉइंट है यहाँ पे, बी डैश और डी डैश, तो ये ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश ये वाली स्लांट एज, और ओ डैश डी डैश ये वाली स्लांट एज, इन दोनों का फ्रंट व्यू, एंड दिस इज द सी डैश। अब इस प्रॉब्लम को यदि हम देखें, तो इस प्रॉब्लम में जो ओ डैश ए डैश या ओ डैश सी डैश, इन दो एजेस की बात करें यदि, ये वाली की और इस वाले की, तो ये दोनों ट्रू स्लांट एज है, ट्रू स्लांट एज मतलब जो स्लांट एज है उसकी ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। नो, मैंने तो बोल दिया कि ये ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज है, कैसे है ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज, कोई बता सकता है कि ये ट्रू लेंथ स्लांट एज की कैसे। देखो, यदि हम फ्रंट व्यू में इसको ट्रू लेंथ बोल रहे हैं, ये यदि ट्रू लेंथ, तो इसका टॉप व्यू देख लो, इसका टॉप व्यू ओ डैश ए डैश है, इसका टॉप व्यू होगा ओ ए, ओ ए, ये ओ ए लाइन एक्स वाई के पैरेलल है तो ये ट्रू लेंथ है। सिमिलरली इसको चेक कर लो, ओ डैश सी डैश को, इसका टॉप व्यू है ओ सी, ये ओ सी एक्स वाई के पैरेलल है क्या, तो हाँ ओ सी एक्स वाई के पैरेलल, इट मीन्स कि ओ डैश सी डैश इज ट्रू लेंथ, ये फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है। लाइन का प्रॉब्लम याद आया, इंक्लिनेशन टू वन प्लेन, ये यस सर। ठीक है, तो ये वो कैसे, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि इसको एक वर्टिकल प्लेन कट कर रहा है, ठीक है, इसको एक प्लेन कट कर रहा है, किस तरह से, कि वो प्लेन वीपी से इंक्लाइंड है, जिसको हमने पहले, जो प्लेन वीपी से इंक्लाइंड है ना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, तो ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है मतलब वीपी से इंक्लाइंड है और एचपी के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो पोजीशन है, उस इस प्लेन की जो पोजीशन है, वो पोजीशन हमें मिलेगी टॉप व्यू में, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी इस प्लेन की पोजीशन हमें, स्ट्रेट लाइन इन इट्स टॉप व्यू, द स्ट्रेट लाइन इज इट्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस, तो जो प्लेन का हॉरिजॉन्टल ट्रेस है वो टॉप व्यू में जो स्ट्रेट लाइन है वो है, क्योंकि उस प्लेन को, जब हम इस प्लेन को एक्सटेंड करते हैं तो ये प्लेन एचपी से इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो लाइन है वो उसका ट्रेस भी हो गया। लाइन में हॉरिजॉन्टल ट्रेस पॉइंट होता है, जबकि प्लेन्स में जो ट्रेसेस हैं वो लाइन होते हैं। सो एन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ऑलवेज कट्स टॉप व्यू ऑफ अ सॉलिड, तो सॉलिड के टॉप व्यू को कट करता है, इट्स पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रॉब्लम, यही हम इस प्रॉब्लम में डिफाइन करेंगे कि एक प्लेन लिया, कैसे लिया हमने, दिस इज वन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन, कि ये प्लेन है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, दिस इज द प्लेन, ये रहा प्लेन, ठीक है, ये रहा वो प्लेन, ठीक है, सो दिस प्लेन इज इंक्लाइंड टू वीपी, ये वीपी से इंक्लाइंड, ये रहा इसका एंगल फाई, ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है ये उसका है, इसकी पोजीशन हमें मिल गई कि ये एक्सिस से इतना दूरी पर है, यहां पर ये रहा एक्सिस से
दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द एक्सिस, और ये एंगल भी मिल गया कि कितना एंगल है इसके साथ में, वीपी से कितना एंगल है वो, प्लस एक्सिस से कितना दूर पे यहाँ पास हो रहा है, ये एक्सिस से इतना दूर है ये डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस से एक्स, एक्स डिस्टेंस से एक्सिस से इस तरफ है। तो हमारा प्रोसीजर क्या था कि हम कटिंग प्लेन पहले हम सॉलिड ड्रॉ करते थे तो ये सॉलिड के प्रोजेक्शंस हो गए, उसके बाद में हम कटिंग प्लेन को ड्रॉ करते थे, ये कटिंग प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया, फिर हम ये ऑब्जर्व करते कि इस कटिंग प्लेन ने ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी लाइन को कट किया टॉप व्यू में। तो देखो कौन कौन सी लाइन को कट किया, इस प्लेन ने यहां पर कट किया इस जगह पर, ये कौन सा पॉइंट हुआ पी, कौन सी लाइन पर है एडी लाइन पर है, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ पी एडी, ठीक है। और यहां पर भी कट किया इस जगह पे, ये कौन सी लाइन है ओ ए, तो ये पॉइंट हो गया पी ओ ए। इसको भी यहां पर कट किया इस जगह पे, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज पी, किस पर है ये ओ बी पर है, ओ बी पर है। ये वाला पॉइंट कहां पर है पी बी सी, ये पी बी सी, ये बी सी लाइन पर है, पी बी सी लाइन पर, ठीक है, ये पी बी सी है, ये पी बी सी। और भी कोई पॉइंट है क्या इसके अलावा, यही पॉइंट है, एनी अदर पॉइंट जो आपको दिख रहा हो मेरे से छूट गया हो, ऐसा कोई पॉइंट है, एनीवन कोई भी देखो, और कोई पॉइंट छूटा हो मेरे से, या इतने ही पॉइंट है, इतने ही पॉइंट है, इतने ही पॉइंट है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे इन पॉइंट को, ये पॉइंट तो ऑब्टेन कर लिए हमने, कटिंग पॉइंट है सेक्शन के, जो कटिंग प्लेन ने जहां पर सॉलिड को कट किया वो वाले पॉइंट है। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें मिल रहे हैं टॉप व्यू में, जबकि सेक्शन मिलेगा फ्रंट व्यू में, तो इन पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। चलो प्रोजेक्ट कर लेते हैं फ्रंट व्यू में, तो ये पॉइंट कहां जाएगा एडी, पी एडी, एडी लाइन पर है, तो टॉप व्यू में कहां रहेगा एडेश डी डैश लाइन पर रहेगा, ये एडेश डी डैश पर यहां रहेगा, तो हम इसको यहां से ले जाते हैं ऊपर, ये ले, ये प्रोजेक्ट किया यहां पे, तो यहां पर पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट आएगा यहां पे पी एडेश डी डैश, ठीक है। देन सिमिलरली प्रोजेक्ट दिस पॉइंट ओ ए, ये ओ ए लाइन पर है, तो ये फ्रंट व्यू में कहां पर होगा ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश पर होगा, तो ये लेगा इसको हम, ये ले गए, ये हो गया पॉइंट पी ओ डैश ए डैश पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस पी ए बी, ये ओ बी, सॉरी ओ बी, हाँ ये है पॉइंट पी ओ बी, तो इसको हम ऊपर ले गए, इसको हम ऊपर ले गए, इसको हम ऊपर ले गए, ओ डैश बी डैश कहां पे मार्क करूं, सर ऊपर की साइड रहेगा, नहीं ऊपर की साइड कहाँ पे भाई, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, बता नहीं सकते सर, ऐसे नहीं बता सकते हम, यहाँ से लोकेट अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू से लोकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम यहाँ पर जैसे पॉइंट को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट को, कि अभी हम क्या मेथड यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे, कि ये जो पॉइंट है पी ओ बी, इसका डिस्टेंस ओ से कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, आप इस ओ को सेंटर ले लो और ओबी के बराबर रेडियस, ओबी के बराबर रेडियस मतलब एक्स के बराबर का रेडियस ही, यहाँ पे एक्स, ये जो एक्स डिस्टेंस यही ओबी डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट की ओ पी ए बी, ओ पी ओ बी डिस्टेंस, ओ पी ओ बी डिस्टेंस ये इतना, इसको सेंटर ले लो, इतना रेडियस ले लो और इस पॉइंट को घुमा दो, ये यहां से 90 डिग्री इसको घुमा दो, तो 90 डिग्री घुमाओगे तो ये यहां पर आएगा, यहां कट करेगा OA पर, फिर यहां से आप इसको ऊपर ले जाओ, इस पॉइंट को
ले जाओ ऊपर। किस पर मिला ये पॉइंट? ओ ए पर। हमने इसको क्या किया, इसको ना यहां से 90 डिग्री घुमाया, इस पॉइंट को 90 डिग्री पे यहां पे शिफ्ट किया, तो ये पे ओ पे, ओ ए पे आया, ठीक है। फिर हम यहां पे गए तो ये मिल गया हमें ओ ए पर ये। फिर यहां से आप स्ट्रेट लाइन बनाओ बेस के परपेंडिकुलर, ये बेस के परपेंडिकुलर, तब ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा, दिस इज द पोजिशन। ये पॉइंट हो गया पी ओ डैश ए डैश, ये सॉरी ओ डैश डी डैश बी डैश, हाँ सॉरी ओ डैश बी डैश, ये पॉइंट हो गया पी ओ डैश बी डैश, इस तरह से लोकेट होगा ये पॉइंट। देन ये वाला पॉइंट तो डायरेक्टली लोकेट हो जाएगा बी सी बेस पर है, तो ये हम यहाँ गए और यहाँ पे लोकेट किया हमने, तो हो गया पी बी डैश सी डैश, ये पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट बचे? पी ओ डैश ए डैश ये रहा, पी ओ डैश बी डैश ये रहा, पी ओ डैश डी डैश ये रहा, सॉरी ए डैश डी डैश ये रहा, पी बी डैश सी डैश ये रहा, इनको जोड़ दो। तो ये हमने जोड़ दिया इसको, ये जोड़ दिया इसको, ये जोड़ दिया से, ये जोड़ दिया, ये फ्रंट व्यू सेक्शन मिल गया। ये रहा ठीक है, दिस इज द सेक्शनल फ्रंट व्यू। अभी देख लो यहीं से, ये रहा हमारा लाइन और ये रहा। सर इसमें जो ओबी वाला पॉइंट लिया है वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना, कौन सा तरीके से मतलब दूसरे? सर मतलब ओबी पे जो जहाँ पर पॉइंट पी ए बी कट पी से कटा हुआ था वहां उसका रेशियो नाप के और ऊपर वाले में काट लें ओ डैश बी डैश में। दोनों अलग चीज है, एक में डिस्टेंस एचपी से, एक में डिस्टेंस वीपी से, ठीक है। मतलब सर इसलिए यदि सेम प्लेन से डिस्टेंस होता तो हम कर सकते थे, लेकिन ऊपर जो सर लोकेट कर रहे तो वो एचपी से डिस्टेंस है और नीचे यहां पर ये वीपी से डिस्टेंस है। पर ओबी के बीच में जो पॉइंट काट रहा है वो तो सेम ही रहेगा ना। नहीं, दिस में चेंज, वो लेंथ हमें देखना पड़ेगी, ओए लेंथ और ओबी लेंथ यदि बराबर है तब उसको हम कर सकते हैं वहां ले जाके, बट दिस इज द मेथड। हम ग्राफिकली जो लोकेट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिस्टेंस, वो हमें स्केल बनानी पड़ेगी फिर। तो एक तो ये तरीका है इसको लोकेट करने का, दूसरा तरीका है कि हम इसको साइड व्यू बनाएं और इस पॉइंट को साइड व्यू में ले जाएं और तब हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो यदि हमें साइड व्यू नहीं बनाना है तो हम इस तरीके से इसको लोकेट करेंगे। ये केसेस कब कब होगा? जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों स्ट्रेट लाइन होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हमने केस इस तरह का डिस्कस भी किया था पहले भी, कि जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के परपेंडिकुलर होते हैं, तो याद करो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस लोकेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है वो इस पॉइंट को यहां ट्रांसफर करना, या उल्टा यदि यहां से कोई प्लेन पास होता है ऐसे, ये तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको हम यहां पे ले जाना पड़ेगा, यहां से डाउन करके यहां लाना पड़ेगा और फिर यहां से इसको 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ लाएंगे, तभी लोकेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कुछ हम देखेंगे जब इसका, तब और एक बार और समझ लेंगे उसको, बट अभी प्रोसेस क्लियर है कि इस पॉइंट को ऊपर कैसे प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह के? यस सर ठीक है, तो ये देख लो जो सेक्शन मिला हमें, ये रहा सेक्शन, ठीक है, दिस इज द सेक्शन। ये वो रहा पॉइंट पी ओ डैश बी डैश, ये है पॉइंट पी ओ ए, ये है पॉइंट पी
ए डैश डी डैश, ये पॉइंट बी डैश सी डैश, तो दिस इज द सेक्शन, ये मिलेगा। तो क्या करते कि ये जो जहां से कट किया है सर, ये वाला पोर्शन हम जनरली क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और फिर इसको देखते हैं। जैसे ये हमने क्या, ये रिमूव कर दिया ये। सो आफ्टर लॉन्चिंग अ सेक्शन प्लेन आइदर इन द फ्रंट व्यू और द टॉप व्यू, द पार्ट्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर इज एज्यूम्ड टू बी रिमूव। तो ये कट किया हमने, ये सॉलिड को कट किया, यहां से कट करने के बाद में ये जो सेक्शन है जो हमारी तरफ था ऑब्जर्वर की तरफ, इस पार्ट को रिमूव करके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब हमें ये मिल रहा है सेक्शन, तब हमें दिखाई देगा सेक्शन। यदि ये पार्ट हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा सेक्शन, ठीक है। सो दिस पार्ट इज एज्यूम टू बी रिमूव्ड, सो एज फार एज पॉसिबल द स्मॉलर पार्ट इज एज्यूम टू बी रिमूव्ड, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। नाउ सर, हाँ बोलो। वो सेक्शन के 2 पॉइंट कैसे आए थे ऊपर वाले, वो समझ में नहीं आया। अभी देख लेते हैं ना, यहाँ पे भी अभी यहां से हम नीचे ट्रांसफर करेंगे पॉइंट को। जैसे इस प्रॉब्लम में देखो, दिस इज द प्लेन, प्लेन की पोजीशन क्या है, इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, इसलिए फ्रंट व्यू में लाइन मिलेगी और टॉप व्यू सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर यस देखो, सर। ये लेंथ हमने कहा कि ये टू लेंथ है, ये टू लेंथ है स्लांट एज की, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था ए, इसको नाम दिया था पॉइंट को बी, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी। इस ये हो गया ए डैश, ये हो गया सी डैश, ये हो गया बी डैश और डी डैश और ये हो गया ओ डैश, ये है पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ। ये यहां पर कट किया, यहां पर कट किया और यहां पर कट किया, तो हमें ये पॉइंट मिला, इसके ऊपर मिला ये पॉइंट पी, ओ डैश ए डैश। यहाँ पे ये लाइन कितनी एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो, इट इज रिप्रेजेंटिंग ओ डैश बी डैश एंड ओ डैश डी डैश। दो एजेस तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, पी ओ डैश डी डैश और पी ओ डैश बी डैश, ठीक है। ये पॉइंट ओ डैश सी डैश है, ये हो गया पॉइंट पी, कहाँ पर है, ओ डैश सी डैश पर है। तो इस तरह से 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए, आई मीन पॉइंट्स को टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये पी ओ डैश ए डैश, ये ओ डैश ए डैश यहाँ से गया, इसको नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें, ये रहा ओ ये रहा ए, तो ये पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी डायरेक्टली मिल जाएगा ओ डैश सी डैश, क्योंकि ओ सी लाइन है हमारे पास में, तो ये पॉइंट मिल गया हमको ये, ठीक है। ये दिस इज पी ओ सी और ये पॉइंट मिला हमें पी ओ ए। अब ये वाला पॉइंट प्रोजेक्ट करना है, पी ओ डैश डी डैश और पी ओ डैश बी डैश। तो इसको जब नीचे लेके आते हैं हम, तो ये पॉइंट यहाँ मार्क करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, कहाँ पे करूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को टू लेंथ पर प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ रिमेम्बर, ये टू लेंथ होना चाहिए स्लांट एज, उसके ऊपर इस पॉइंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ ये, फिर इसको हम यहां से नीचे लाएंगे और इसकी टॉप व्यू पर ले जाएंगे, ये ओ ए की टॉप व्यू पर। इसको हम इस तरफ भी ले जा सकते थे, ओसी पर भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, तो इस तरफ भी कर सकते थे या इस तरफ भी, कहीं भी कर लो। तो हमने इसको यहां पर किया, यहां से हम नीचे ले गए, ये यहां पर लेके आए यहां। फिर हमने क्या किया, यहां ओ से लेके इस पॉइंट तक, है ना, ओ से लेके इस पॉइंट तक इतना इतना रेडियस, इसको सेंटर लिया और ऐसा करके इसको इधर 90 डिग्री रोटेट किया और इसको इधर 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये यहाँ पर कट किया पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, ये पॉइंट मिला पी ओ डी और ये पॉइंट मिला पी ओ बी, इस तरह से, ठीक है। फिर इनको जोड़ दिया तो ये सेक्शन मिल गया हमें, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन। और ये लाइट लाइट मतलब इसके ऊपर का, इस प्लेन के ऊपर वाला हिस्सा ये हमने हटा दिया क्योंकि कट गया ना, तो ये हिस्सा हटा के अब हम जब देख रहे हैं तब ये टॉप व्यू है, तो दिस इज प्रोजेक्टेड सेक्शन, ठीक है।
ट्रू शेप बाद में मिलेगा हमें, ठीक है? दिस इज क्लियर प्रोसीजर? हाँ, यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ लेना बाद में। हाँ, दिस इज एन एग्जांपल जिसमें सब चीजें मिल रही हमें। ये रहा हमारा सेक्शन प्लेन या कटिंग प्लेन, ठीक है? दिस इज सेक्शन टॉप व्यू, ये सेक्शन लाइंस है जो कि हम 45 डिग्री टू एक्स वाई बनाते हैं। दिस इज ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन जो कि हम बनाते हैं यहाँ पर, कि ये इस सेक्शन का ट्रू शेप है। ये देखो, ये प्रोजेक्टेड शेप है। दिस इज अपेरेंट शेप ऑफ द सेक्शन और प्रोजेक्टेड टॉप व्यू ऑफ द सेक्शन जो कट हुआ है, ये है ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ठीक है? अब ये ट्रू शेप बनाएंगे कैसे, चलो लेट अस अंडरस्टैंड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोन है तो कोन में हमें इलिप्स भी मिलता है, पेराबोला भी मिलता है, हाइपरबोला भी मिलता है, और आइसोसेलिस ट्रायंगल भी मिलता है, और सर्कल भी मिलता है। हम बात करते हैं सेक्शन की, तो किस तरह से, यदि इस कोन को जो है हम बेस के पैरेलल प्लेन से ऐसा कट करते हैं, तो ये यहाँ पर जो सेक्शन कट होता है ये वो होता है सर्कल, तो हमें सर्कल मिलता है। और ये वाला जो प्लेन है ये अपेक्स से पास हो रहा है, ये कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू अपेक्स और इंक्लाइंड है, तो दिस इज द सेक्शन प्लेन थ्रू द अपेक्स। तो ये सेक्शन इस तरह का यहाँ पर कट हुआ है जो कि ट्रायंगल है। और यदि इस तरह से कट किया कोण को, ये दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, हाँ एक्सिस से इंक्लाइंड है ये, तो ये सेक्शन ये मिलता है जो कि एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। और यदि ये सेक्शन प्लेन वन ऑफ द जनरेटर के पैरेलल हो जाता है, जैसे ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू दिस जनरेटर, तो तब हमें ये पैराबोला सेक्शन मिलता है। ये शेप इसका जो सेक्शन का वो पैराबोलिक होता है। और यदि ये पैरेलल है, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एक्सिस इस तरह से कट करता है ये कोण को, तो ये सेक्शन जो शेप है इसको हम कहते हैं हाइपरबोला, दिस इज नोन एज हाइपरबोला। सिमिलरली एक सिलेंडर को यदि हम इस तरह से कट करेंगे तो ये हमें इलिप्स मिलेगा, ठीक है? और यदि वर्टिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसा, तब हमें मिलेगा रेक्टेंगल। यहाँ पे ये सेक्शन जो बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा। ये स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड को यदि हमने इस तरह से कट किया तो ये हमें ट्रेपेजियम सेक्शन मिलता है। ये ट्रेपेजियम, इसको कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है? दो साइड्स पैरेलल, दिस इज वन, दिस इज अनदर। और नीचे वाला जो सॉलिड है, जो सॉलिड कटने के बाद जो सॉलिड बचा उसको कहते हैं फ्रस्टम। सो दिस इज फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, दिस इज फ्रस्टम ऑफ सिलेंडर, ठीक है? दिस इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये प्रॉब्लम हमने कल किया था क्या? क्या है प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, अब मैं आपको ट्रू सेक्शन ट्रू शेप बनाना बताऊंगा, ठीक है? तो पहले हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, अ स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग हैज इट्स बेस ऑन द एचपी विथ टू एजेस ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है? ये सॉलिड तक का प्रॉब्लम हो गया। तो दो एजेस जो बेस की हैं वो परपेंडिकुलर टू वीपी है, तो कैसे हम इसको ऐसा रख के बनाएंगे क्या, या इसको ऐसा रख के बनाएंगे, कौन सी पोजीशन करेक्ट होगी? दूसरी, सेकंड वन सर। ये दूसरी वाली, दिस इज द राइट पोजीशन, क्योंकि दिस एज एंड दिस एज, ये दो एजेस, दीज आर परपेंडिकुलर टू वीपी, ये वीपी को परपेंडिकुलर है, तो टॉप व्यू हमारा ऐसा बनेगा और फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल मिलेगा। बना लेते हैं, दिस इज एक्स वाई, दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है? पिरामिड है, ये पिरामिड का टॉप व्यू, और इसका फ्रंट व्यू, नाम भी दे दिए पॉइंट के, ए बी सी डी, और ये अपेक्स ओ, और इसका फ्रंट व्यू बना लेते हैं, ये रही एक्सिस, ठीक है? ये पॉइंट यहाँ गया, ये ट्रेंगल मिल गया हमें, ठीक है? तो ये हो गया, दिस इज अपेक्स ओ डैश, दिस इज ए डैश डी डैश, और ये बी डैश सी डैश, तो ये हमें मिल गया फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू इस तरह से होगा इसका,
ठीक है, तो यहां तक का काम हमने कर लिया कि स्क्वायर पिरामिड है, बेस 40 mm का, तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, दिस दिस इज 40 mm, ये 40 mm की लेंथ है, ये 40 mm, दिस इज 40, ठीक है, और एक्सिस, ये जो एक्सिस लेंथ है यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ, दिस लेंथ इज 65 mm, ठीक है, ये गिवन था। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर कट कर रहा है, एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, ठीक है, एचपी से 45 डिग्री, मतलब यदि हम बोले कि ये हमारा वीपी है और ये एचपी है, तो जो कटिंग प्लेन है वो ये है, दिस इज द कटिंग प्लेन, ये दिस इज एंगल इज थीटा, ये वीपी के परपेंडिकुलर है प्लेन, ठीक है, सो 45 डिग्री, ये थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा इज करंटली 45 डिग्री का है, और ये तो एंगल हो गया कि इतने एंगल से पास हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट को कहां से काट रहा है, तो इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, एक्सिस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस एक्सिस का सेंटर पॉइंट, ये यहां से लेके इक्वल ओडे से लेके यहां तक, इसको बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम वो पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, तो दिस इज द पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, ये पॉइंट हो गया वो, कि कटिंग प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और एचपी से इंक्लाइंड है, तो हमें फ्रंट व्यू में ये लाइन मिलेगी, इस तरह से ये लाइन मिलेगी, ठीक है, इंक्लाइन लाइन मिलेगी, तो इंक्लाइन लाइन ऐसे भी बना सकते हैं 45 पे, और ऐसे भी बना सकते हैं आप 45 पे, मतलब एक लाइन होती कि 45 पे हम ऐसे बना दें, दिस इज द पोजिशन ऑफ द कटिंग प्लेन, और दिस इज द पोजिशन ऑफ द कटिंग प्लेन, दिस इज 45 और दिस इज 45, तो इन दोनों में से कोई भी एक पोजिशन, ठीक है, ठीक है, तो अब कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू में लाइन, तो लाइन दिखा देते हैं, पॉइंट लोकेट हो गया, इस पॉइंट से पास हो रहा है, कटिंग प्लेन दो एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, और यहां से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये हमने बना दिया, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है, इस तरह से कट किया, अब इस तरह से कट किया इसने, ये रहा कट कर दिया, ये रहा हमारा कटिंग प्लेन, सो दिस इज लाइन, ये कटिंग प्लेन का रिप्रेजेंटेशन की थिन डेस्ड लाइन है और एट द एंड थिक, तो ये हो गया कटिंग प्लेन, ठीक है, ये कटिंग प्लेन हो गया, चलो तो यहां तक का काम हो गया सेक्शन प्लेन का। अब क्या करना है, अब सेक्शन ऑब्टेन करना है कि टॉप व्यू हमें सेक्शन दिखेगा लेकिन कैसा दिखेगा, उसके लिए कटिंग पॉइंट्स, तो कटिंग पॉइंट्स के नाम हम लोकेट कर लेते हैं, हमने हमारा तरीका क्या अपनाया है कि ओडेश एडेश और ओडेश डीडेश, ये जो लाइन फ्रंट व्यू में है, ये वाली लाइन इंक्लाइन, ये दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन कौन सी, ओ ए और ओडी को, तो यहां पर कितने पॉइंट होंगे इस जगह पर, इस जगह पर कितने पॉइंट होंगे, दो, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस को यहां पर कट किया, तो एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, तो ये पॉइंट यहां पर नहीं लेंगे, इस एज को ऑब्जेक्ट को कहां पे कट किया इस लाइन ने, तो इस लाइन ने ऑब्जेक्ट को कट किया यहां पर और यहां पर, अब यहां पर फ्रंट व्यू में ये जो लाइन है, ये लाइन दो एजेस का फ्रंट व्यू है, दैट इज ओडेश बीडेश और ओडेश सीडेश का, तो यहां पर दो पॉइंट है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं कि दिस इज पॉइंट नंबर ओडेश बीडेश और ये दूसरा पॉइंट है पी ओडेश सीडेश, और यहां पर है पी, पॉइंट किस पर है, ओडेश एडेश पर है, और पॉइंट पी ओडेश डीडेश पर भी है, तो टोटल कितने पॉइंट्स मिले हमें, 1 2 3 4, ये पॉइंट्स लोकेट कर लिए हमने फ्रंट व्यू में, इसके अलावा और कोई पॉइंट है जो हमें मिल रहे हैं जहां पर कटिंग प्लेन ऑब्जेक्ट की एजेस को कट कर रहा है, ऐसा और कोई पॉइंट है क्या,
ये चार पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। चलो नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, तो कहाँ पे ट्रांसफर करी, ये हमने किया, तो यहां से ये लाइन बनाई, ये प्रोजेक्टर हुआ, तो ये पॉइंट ये है पी, ओडेश एडेश है, तो हमें टॉप व्यू में ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ओ ए पर मिलेगा। तो ये रही ओ ए लाइन, और ये रहा हमारा प्रोजेक्टर, तो ये रहा पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज पी ओ ए। फिर ये पॉइंट पी ओडेश डीडेश पर भी है, तो ओडेश डीडेश फ्रंट व्यू में है, टॉप व्यू में ऐसा पॉइंट होगा पी ओडी पर होगा, तो ये रहा ओ, ये रहा डी, ये रहा पॉइंट पी ओडी पर, तो दिस इज पी ओ डी, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ट्रांसफर करें, तो ये पॉइंट को भी हमने यहां से ट्रांसफर किया, ये है पी ओडेश बीडेश और ओडेश सीडेश। तो जैसे पी ओडेश बीडेश है, ऐसे ही पी ओबी है, मतलब ओबी लाइन पर मिलेगा हमें टॉप व्यू में, तो ओबी लाइन कहां गई, ये रही ओबी लाइन, यहां पर ये मिल गया पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज पी ओ बी हो गया। सिमिलरली ओसी पर भी मिलेगा, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में पॉइंट है, ओडेश सीडेश पर है, तो टॉप व्यू में भी पी पॉइंट कहां पे होगा, ओसी पर होगा, तो यहाँ ओसी पर हम लोकेट कर लेते हैं पी ओ सी, तो ये पॉइंट हो गया। इनको जोड़ दो, चारों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं, ये जोड़ा, दिस ज्वाइन, ये ज्वाइन किया हमने, दिस ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, ये मिल गया हमें सेक्शन। ये टॉप व्यू सेक्शन व्यू, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी किसी को समझ में नहीं आया हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ ले। हम लोग कनेक्टेड तो है ना? यस यस सर। मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं सोचा कि ग्रुप में देख लूं कोई मैसेज तो। हाँ, क्योंकि आपका कोई रिस्पांस नहीं आया ना, मैंने पूछा आपसे। हाँ, तो ये सेक्शनल टॉप व्यू बन गया। अभी यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है, किसी को भी परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना। तो हमारा एक काम तो हो गया कि ड्रॉ इट सेक्शनल टॉप व्यू, ये सेक्शनल टॉप व्यू बन गया। सेक्शनल साइड व्यू भी बनाना था और ट्रू शेप भी बनाना था सेक्शन का। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइड व्यू बना लेते हैं, तो इसको साइड व्यू में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कट किया और उसके बाद में ये पोर्शन रिमूव कर दिया, अब इसको साइड व्यू बना लेते हैं। पहले ट्रू शेप बना लेते हैं, फिर साइड व्यू बनाएंगे, कोई नहीं, इसमें पहले ट्रू शेप बनाया हुआ है फिर से। हाँ, तो ट्रू शेप बनाने के लिए, है ना, ट्रू शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हम डायरेक्शन टॉप व्यू के लिए डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो ये प्रोजेक्टेड। किसी भी व्यू ट्रू शेप कब होगा, जब हम प्लेन के सामने खड़े होके प्लेन को की तरफ देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा और उसके बाद में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, तो हम सामने से देखेंगे तो ट्रू शेप मिलेगा, लाइंस ऑफ साइड पैरेलल। तो यहां पर भी हमें यदि इसका ट्रू शेप पता करना है, तो ये जो कटिंग प्लेन है, इस कटिंग प्लेन के सामने हमको खड़े होकर देखना पड़ेगा। ठीक है, इस कटिंग प्लेन के सामने हमको खड़े होकर देखना पड़ेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू फॉर ट्रू शेप। ये ट्रू शेप की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से जब हम देखेंगे, तो जैसे हम इस तरफ डायरेक्शन से देखते हैं, वर्टिकल प्लेन के सामने हम खड़े हैं, तो ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब प्लेन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम प्लेन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं कि एक प्लेन ये है, ये वाला जो कटिंग प्लेन है ना, ये हमारे सामने है, तो इसमें फ्रंट व्यू मिलेगा और यहां पर इस जगह पर हमें टॉप व्यू मिलेगा। ठीक है, इस जगह पर टॉप व्यू मिलेगा। तो चलो हम क्या करेंगे, अब तरीका क्या है उसका, उसको बनाने का तरीका ये है, टू शेप के लिए सेक्शन के, प्लीज अनम्यूट।
तो तरीका यह है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेपेजॉइड मेथड हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो वो ट्रेपेजॉइड मेथड का हम यूज करके यहाँ पर ट्रू सेक्शन, ट्रू शेप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी ओ डैश बी डैश, पी ओ डैश सी डैश, पी ओ डैश ए डैश और पी ओ डैश डी डैश, इनसे इनसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहां से ड्रॉ हो रही है, पी ओ डैश ए डैश और पी ओ डैश डी डैश, ये कहां से ड्रॉ हुई है, पी ओ डैश सी डैश और पी ओ डैश बी डैश। नाउ हमने क्या बोला कि हम यहां से देख रहे हैं, हम यहां से व्यू जब कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से व्यू कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ये है हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहां बनेगा, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अवर रेफरेंस लाइन हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट व्यू पे ये दिख रहा है, टॉप व्यू में यहां देखना है, तो हमें प्रोजेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन जो है ना, ये प्रोजेक्टर है, ये लाइन हमारी प्रोजेक्टर से, तो इस प्रोजेक्टर पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रहेंगे। तो फ्रंट व्यू है हमारा ये, यहां पर ही पी ओ डैश बी डैश और पी ओ डैश सी डैश, ये क्या हो गए, ये फ्रंट व्यू हो गए, यहाँ पे पी ओ डैश ए डैश और पी ओ डैश डी डैश, ये फ्रंट व्यू है। तो इन पॉइंट्स का टॉप व्यू कहाँ है, टॉप व्यू इन लाइंस पर रहेगा, इन प्रोजेक्टर्स पर। इन प्रोजेक्टर्स पर कितने डिस्टेंस पर रहेगा, इन प्रोजेक्टर पर कितने डिस्टेंस पर रहेगा, तो उतना ही डिस्टेंस पर रहेगा जितना वर्टिकल प्लेन से दूर है, वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, सॉलिड का वर्टिकल प्लेन से कोई डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। ये जो पॉइंट ए है, एक्स वाई से अभी इतनी दूरी पर है, ये भी इतनी दूरी पर है, ये सी और ये डी इतनी दूरी पर, सॉलिड का चेंज नहीं, सिर्फ प्लेन ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमें यहां पर वो डिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है, ये हमारी नई वाली एक्स वाई लाइन है, सो दिस इज एक्स वन वाई वन है, ये एक्स वन वाई वन, तो ये जो पॉइंट पी ओ ए पी ओ डी पी ओ बी पी ओ सी, ये यहां पर टॉप व्यू में अभी जितने डिस्टेंस पर है, यहां भी उतना ही डिस्टेंस पर रहेंगे। तो क्या करना है, मतलब कि इन पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, पहले तो ये चीज तो ये बना ली, ये बन गई, अब इसके ऊपर पॉइंट मार्क करो। तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट मार्क होगा, ये लाइन हमने ड्रॉ की है पी ओ डैश ए डैश और पी ओ डैश डी डैश से, तो यहां पर पॉइंट आएगा पी ओ ए और पी ओ डी। अब उसकी डिस्टेंस कहां से मिलेगी, टॉप व्यू में देखो, ये रही डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ओ ए, ये पी ओ ए की डिस्टेंस है, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हम यहां से लेंगे और यहां पर मार्क कर देंगे, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस, दिस इज एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्स पी ओ ए का एक्स वाई से जो डिस्टेंस, वो ये रहा, तो ये मार गया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया पी ओ ए, देन पी ओ बी, ये रहा पी ओ बी, ये रहा डिस्टेंस पी ओ बी, ये पी ओ बी, इसका डिस्टेंस एक्स वाई से ये रहा, ये डिस्टेंस एक्स वाई से इसका, दिस इज द डिस्टेंस से, दिस डिस्टेंस इज एक्स वन, ये एक्स वन डिस्टेंस यहां से, तो इस एक्स वन वाई वन से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, कहां पर होगा, यह है ओ बी, तो पी ओ डैश बी डैश इस जगह पर होगा, इस जगह पे होगा, तो इस जगह पे होगा, ये रहा पॉइंट, सो दिस इज द पॉइंट पी ओ बी, देन पी ओ सी, ये वाला डिस्टेंस पी ओ सी, ये डिस्टेंस एक्स वाई से, लेट इट बी एक्स टू, एक्स टू हम मान लें, ठीक है, ये रहा ओ डैश सी डैश, तो इसी लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा, यहां पर आएगा, दिस इज पॉइंट पी ओ सी, ये हो गया पी ओ डी, ये रहा ओ डी का डिस्टेंस, तो इसको भी हम यहां से ले लेते हैं कि यहां से एक्स वाई से कितना, इतना दूरी पर है ये,
दिस डिस्टेंस इज से x3, ठीक है, ये x3 डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट से हम यहाँ इस पी ओ डैश डी डैश से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, ये रहा पॉइंट पी, दिस इज पी ओ डी, ये पी ओ डी हो गया, ठीक है। सो पी ओ डी ये डिस्टेंस यहाँ इस लाइन से ये है x3, और ये यहां से इसका जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ओबी का कितना था, ओबी का x1, दिस इज x1 है ना, और ये ओसी का xy से ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x2, ये वाला डिस्टेंस x, ये x1 x2 x3, ये चारों डिस्टेंस, ठीक है। अब जब ये हो गए चारों, तो ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट्स मिल गए हमें, तो हमने ज्वाइन किया पी ओ ए से पी ओ बी को जोड़ा, ये जोड़ दिया, पी ओ बी से पी ओ सी को ये जोड़ दिया, ओ सी से ओ डी को ये जोड़ा, और ओ डी से ओ ए को ये जोड़ा, और ये लाइन ड्रॉ कर दी। सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन का ट्रू शेप होगा, दिस इज हाउ वील ऑब्टेन द ट्रू शेप, ठीक है। इस प्रोसीजर में कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दो। यस, एनी प्रॉब्लम इन ड्राइंग द ट्रू शेप? सर हाँ, पी ओ डैश डी डैश कैसे बनाया? पी ओ डैश डी डैश फ्रंट टॉप व्यू में व्यू में सर? ये पॉइंट, हाँ सर टॉप व्यू में, सॉरी सॉरी। अभी तो यही समझा है ना, टॉप व्यू में, कि ये जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू में जो एक्स वाई से डिस्टेंस इन पॉइंट्स का एक्स वाई से, वही डिस्टेंस इस कटिंग प्लेन से होगा, क्योंकि किसी भी प्लेन से इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने वही मार्क की, जैसे पी ओ ए मार्क किया हमने यहां पर, तो ये पी ओ डेश ए डेश इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर बनाया है इस लाइन को, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें मिलेगा टॉप व्यू में, ये यहाँ पे ये डिस्टेंस टॉप व्यू में मिला। सिमिलरली पी ओ डी का डिस्टेंस, ये पी ओ डी, इसका डिस्टेंस हमने टॉप व्यू से लिया, ये रहा ओडी का, ये डिस्टेंस सर तो जितना इस टॉप व्यू एक्स में भी वाई तो से टू यहाँ है, शेप आ रहा है। टॉप व्यू में ये ट्रू शेप नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रू शेप, हाँ दिस इज प्रोजेक्टेड व्यू, ये देख लो, टॉप व्यू के लिए डायरेक्शन ये है देखने की, तो ये आपको दिस इज द लेंथ ये मिल रही है, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है ये दूरी, दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ, हाँ, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस ये है, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, तो ये एक्चुअल लाइन की लेंथ है, सेक्शन की जो लाइन ये, ठीक है, दिस आर प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड, क्योंकि प्लेन कटिंग प्लेन पैरेलल नहीं है एचपी के, एचपी से इंक्लाइंड है, इसलिए प्रोजेक्टेड सेक्शन है। सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन जो हमें ऑब्टेन हुआ है। यहां पर उन पॉइंट्स को नाम दिया है इन्होंने 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये
तो ये पी ओ ए को नाम दिया 1 पॉइंट, पी ओ बी को 2, पी ओ सी को 3 और पी ओ डी को 4। ये फ्रंट व्यू में 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश, ये 2 शेप बनाते हैं। देखो ये प्रोजेक्टर बनाया हमने परपेंडिकुलर, है ना, 2 डैश 3 डैश और 1 डैश 4 डैश, ये परपेंडिकुलर। अब इनका डिस्टेंस, तो जो टॉप व्यू में ये जो पॉइंट 1 डैश है ना, टॉप व्यू देखो, इसका ये रहा 1, इसका एक्स वाई से डिस्टेंस ये रहा, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो भी हमने किया था। ये डिस्टेंस मेजर किया, ये जो ग्रीन एरो से आ रहा है ये डिस्टेंस, और ये मार्क किया हमने। फिर सेकेंड वाला पॉइंट जो 2 नंबर का पॉइंट है, ये इसको हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो डिस्टेंस लिया, ये 1 से लेके ये 4 वाला पॉइंट इसी पर मार्क कर रहे हैं, तो 4 वाला ये रेड एरो, ये 4 नंबर का पॉइंट होगा। सिमिलरली 2 नंबर का पॉइंट, ये 2 नंबर के लिए है, ये डिस्टेंस यहाँ पर मार्क किया, सो दिस इज पॉइंट 2। 3 वाला, ये 3 के लिए ग्रीन एरो, ये 3 नंबर का पॉइंट है, और इसको ज्वाइन किया, तो ये 2 शेप मिला हमें सेक्शन का जो मैंने समझाया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल ऑब्टेन ट्रू शेप। अब साइड व्यू, चूंकि इसमें कहा गया था कि सेक्शनल साइड व्यू भी बनाना है, ये सेक्शनल साइड व्यू, तो सेक्शनल साइड व्यू बनाना है, तो हम इसको साइड व्यू को ले जाएंगे। यहां से ले गए, हम इसके लिए X1 Y1 लाइन बनाते हैं, सो दिस इज अवर X1 Y1 लाइन, X2 Y2 लाइन जो भी ये, और यहां से या तो 45 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ करें, या यहीं से इसको 90 डिग्री रोटेट कर दें, इसको सेंटर पॉइंट रखकर इतना रेडियस लेके ये इन सारे पॉइंट्स को यहाँ प्रोजेक्ट करते हुए, ये हमने प्रोजेक्ट किया, ये सॉलिड का साइड व्यू बन गया। ठीक है, सेक्शन चाहिए था तो कटिंग प्लेन के इन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट्स मिल गए साइड व्यू में, ये पॉइंट्स मिल गए, तीसरा साइड व्यू, दिस इज सेक्शनल साइड व्यू, ये करना है हमें। तो ठीक है, दिस इज सेक्शनल साइड व्यू, ये हमारा प्रॉब्लम है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का। सो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के लिए फर्स्ट स्टेप जो रहेगी वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना लो। फिर कटिंग प्लेन को लोकेट करो, कटिंग प्लेन को लोकेट करने के बाद पॉइंट्स ऑब्टेन करो, कौन से पॉइंट्स, कटिंग प्लेन की लाइन ने ऑब्जेक्ट की लाइन को कहां पर कट किया, वो वाले पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को दूसरे व्यू में ट्रांसफर करो और वहां पे सेक्शन ज्वाइन कर दो, तो हमें सेक्शन व्यू मिल जाएगा। ट्रू शेप बनाने के लिए कटिंग प्लेन ने ऑब्जेक्ट की लाइंस को जिस पॉइंट पर कट किया, उन पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो कटिंग प्लेन के, और टॉप व्यू से डिस्टेंस मेजर करके वहां पे ट्रांसफर करो, तो ट्रू शेप हमें मिल जाएगा। साइड व्यू में भी उन पॉइंट्स को आप प्रोजेक्ट कर लो और ज्वाइन कर लो, तो सेक्शनल साइड व्यू मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक एनी प्रॉब्लम, समझ में आया प्रोसीजर? ठीक है, यस सर, यस सर, यू नोट इट डाउन दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को आप नोट कर लो और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना, कल जब हम क्लास में ज्वाइन करेंगे तब मुझे बताना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी आई क्या। ठीक है, वट एवर इज योर फीडबैक, आपको प्रोसीजर समझ में आया या नहीं, हम उसको जज कर लेंगे। ठीक है, यस सर, तो इट्स अ सिंपल स्क्वायर पिरामिड ही है, बेस 40 mm का, साइड 65 mm है, जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम था वो भी, इज इट्स बेस ऑन द एचपी में बेस है, और ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी है। तो टॉप व्यू में अभी जैसा टॉप व्यू था
ऐसा नहीं बनेगा, इंक्लाइन बनेगा। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द एचपी बाइसेक्टिंग द एक्सिस। मतलब जो हमारा इससे पहले वाला प्रॉब्लम था सेम प्रॉब्लम है, बस सॉलिड की पोजीशन चेंज कर दी है। एचपी में स्टैंड अभी पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन पहले उसकी दो बेस एजेस परपेंडिकुलर टू वीपी थी, यहां पर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी है बस। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करिए अपनी शीट पर स्केचबुक में और इसको सॉल्व करिए। सेक्शनल टॉप व्यू बनाओ, सेक्शनल साइड व्यू बनाओ और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाओ। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम ज्वाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे।